नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन। थैंक यू। दो शब्द हैं, आई एम। आई एम टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स फॉर व्हाट यू पुट आफ्टर देम shapes your reality. I am for dot 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 fill in the blank. उसके बाद अब I am के आगे fill in the blank में जो लिखा वो सच होता जाएगा, वो reality बनता जाएगा, क्योंकि I am बोलकर जो vibration create किया, vibration create हो रही है ना, ये thought create हो रही है। I am दिस थॉट क्रिएट की, वाइब्रेशन रेडिएट की, फीलिंग क्रिएट हुई, बॉडी की हेल्थ को गया, रिश्तों में गया, वायुमंडल में फैल गया, रियलिटी बन गया। आई एम के आगे हम क्या क्या लिख सकते हैं? दोनों चीजें लिख सकते हैं। आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, आई एम नॉट दैट रिच। कितनी बातें कर सकते नेगेटिव। और बोलते ही एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब जैसे मैंने लास्ट लाइन बोली थी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, सडनली एक मेरे अंदर एक थॉट, मतलब एक चेंज सा लगा मुझे बोलते हुए भी लगा। आई एम द क्रिएटर ऑफ माय डेस्टिनी। एंड व्हेन यू स्पीक दैट लाइन, वो ढंग, उसका एक, उसके एक रिदम आवाज की, या उसका एनर्जी है ना, उसकी फील, उसका, उसकी एनर्जी है। हाँ, शब्दों की एनर्जी। जैसे आई एम बिजी, ये एक शब्द है, बहुत कॉमन शब्द है आज ये, कुछ भी। आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। और एक और शब्द है, आई एम ईजी। दो शब्द हैं, लेकिन जिस शब्द को लगाएंगे आई एम के बाद, वैसी एनर्जी फील होगी। ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे शब्द हम वातावरण से उठा लेते हैं, लोगों को कहते हुए सुन लेते हैं, अभी वो हमारी रियलिटी होती नहीं है, लेकिन जब हम वो शब्द यूज़ करना शुरू कर देते हैं वो हमारी रियलिटी बनती जाती है। आई एम स्ट्रेस्ड, हमने कहीं से ये वर्ड सुना होता है, फिर हमने आज वर्ड सुना डिप्रेस्ड। आज बच्चे, यूथ, यंग, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, ऐसे ही मूड के लिए शब्द यूज़ कर लेते हैं। आई एम वेरी डिप्रेस्ड टुडे, ये शब्द कहाँ से मिला? कोई टीवी के प्रोग्राम से उठाया, कोई मूवी से देखा। हाँ, मैं बोलता था, एक मैं जिस डायरेक्टर के साथ रहता था, फिल्म डायरेक्टर के साथ, वो फेलियर था लाइफ में फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स। तो मैं शेयर करता था फ्लैट, तो सुबह उठते चलते बैठते, दुखी हो गए यार, मैं बड़ा दुखी हूँ, दुखी हो गया, उसका एक वो तकिया कलाम जैसे बन गया था लाइफ में। जब अपनी फैमिली के साथ रहने लगा, मुझे भी, मेरे मुख से भी निकलने लग गया, मैं दुखी हो गया यार, दुखी हो गया। तो विदाउट माय नॉलेज, तो विवेक बोलने लग गया। छोटा सा बच्चा दुखी हो गया, मैं दुखी हो गया। तो मैंने बोला ये क्यों हो गया, ये क्यों बोल रहे? तब मेरी वाइफ ने बोला, व्हाटएवर यू से जस्ट बी वेरी केयरफुल, व्हाटएवर यू से The other soul is absorbing it. But yeah, मैं खुद ही absorb कर रहा हूं। हम खुद वो बनते जाएंगे। हम कहेंगे मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, I am unhappy, I am sad, I am in pain, I am stressed, I am aggressive, I am depressed. ये अभी reality है नहीं, इसको reality हम बनाएंगे। नहीं, reality बनाएंगे, मैंने कहा कि आप अकेले की नहीं बन रही है। बच्चा भी वही बोलने लग रहा है, फिर यू नो पूरी फैमिली में हो जाता है ना। बच्चा बोले नहीं भी तो वाइब्रेशन तो कैच कर ही रहा है। हाँ, तो एक इसीलिए उसने कितनी प्यारी लाइन कही है, आई एम द टू मोस्ट पावरफुल वर्ड्स एंड व्हाटएवर यू राइट आफ्टर दैट विल बिकम योर रियलिटी।
इसको हमें मंत्र है हमारा, यस, बहुत ध्यान से लेना है। जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे, वो बन रहा है। जैसे आपने कहा दुखी हो गए यार, कई बार लोग कहते हैं जीवन ही कैसे है, बहुत ही बोरिंग हो गया है। ये एक एक हमें लगता है कि दिस इज जस्ट अ कैजुअल लाइन। वी हैव टू नाउ बी सो अवेयर। आज का जमाना ही कैसा है, अपने जीवन के लिए भी देखें। लोग बोलते रहते हैं, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। एक बोल रहा है रूममेट बार बार एक चीज, व्हाई शुड आई रिपीट व्हेन आई एम नॉट दुखी। इसीलिए कहा जाता है सत्संग तारे कुसंग डुबोए। राइट संग हुआ तो हमारी उन्नति है, गलत संग हुआ तो हमारी डिप्लीशन है। क्यों? क्योंकि संग का रंग लगता है। जिन फ्रेंड्स के साथ हम बैठते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, अनअवेयर यू विल सी दैट वी आर पिकिंग अप वोकैबुलरी बिकॉज वी आर पिकिंग अप वाइब्रेशंस। वोकैबुलरी हम पिकअप करते हैं वो तो फिर भी दिखाई देता है, वाइब्रेशंस हम कैच कर रहे हैं। इसीलिए संग का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम किनके संग में रहते हैं। जिनके संग में हम रहेंगे वो वाइब्रेशंस हम ऑब्जॉर्ब करेंगे, वो हमारी सोच बनेगी और वो हमारी डेस्टिनी बनेगी। एंड इसीलिए जिनके संग में हम रहेंगे उनके जैसे बनते जाएंगे। यहाँ तक कहते हैं लोग सिस्टर कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे जैसे शक्ल से भी लगने लगते हैं, बोलते बोलते रहते रहते बिहेवियर और पसंद। हाँ। और मैंने दो शब्द कुछ ऐसे मतलब ठीक ठाक नहीं बोलता था। हाँ। एक दिन उसके मुख से निकल गया, मैंने बोला आप मतलब देन आई हैव टू करेक्ट हियर। तो फिर आज आपसे बात करते सोच रहा हूँ, जब आपने इतनी सुंदर लाइन बोली कि सत्संग तारे, तो इसका मतलब ये है कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। अगर मैं घर में मेरे बिहेवियर को चेंज करूं तो अपने आप सोच को सोच को, क्योंकि वाइब्रेशंस वो कैच कर रहे हैं। अगर आपने सोच में भी ये रखी लाइन कि मैं दुखी हूँ, शब्दों से कहा आई एम हैप्पी, यहाँ कहा आई एम अपसेट आई एम सैड, यहाँ कहा आई एम हैप्पी, वाइब्रेशन कौन सा फैल रहा है, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, वो कैच करेंगे। संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे हम कितनी फैमिलीज में देखते हैं, जब बच्चा अडॉप्ट किया जाता है, वी जस्ट हैव टू वॉच द जर्नी ऑफ दैट सोल, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। जब वो बच्चा उस परिवार में आता है, उसकी शक्ल हाव भाव डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट परिवार से आया है ना, और वो इस परिवार में आया है। 2-3 साल के बाद वो बच्चे का चेहरा बदलने लगता है, उसकी वाइब्रेशन चेंज होने लगती है, एंड वो बहुत बार अपने ये पेरेंट्स जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है उन पेरेंट्स जैसा दिखना शुरू हो जाता है। आउटसाइडर्स के नॉट से, बाहर वाले नहीं बता पाते जिनको नहीं मालूम कि ये बच्चा अडॉप्टेड है, कैसे हुआ। इसकी अगर हम डेप्थ को समझें, वी विल बी सो केयरफुल कि हमारी वाइब्रेशन हमारे साथ रहने वाली आत्मा अब्सॉर्ब करती है, और इतनी अब्सॉर्ब करती है चेहरा बदल जाता है, क्योंकि फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड। एक होती है हैबिट्स जो हम अडॉप्ट करते हैं, एक होती है हैबिट्स जो अनअवेयर आ जाती है हमारी पर्सनालिटी के अंदर। जैसे आपने कहा रूममेट कह रहा है दुखी हूँ, तो अनअवेयर हमने वो कहना शुरू कर दिया। इम्पोर्टेंट लाइन उसके बाद है, दुखी है नहीं, बहुत कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ एक चैलेंजेस भी हैं, ये जीवन है, ये आपकी जीवन है। लेकिन ये बहुत सारा अच्छा और कुछ चैलेंजेस में अगर ये लाइन क्रिएट करने शुरू कर दी, दुखी हो, तो दुखी होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ व्हाई ही सेड इट इन आई एम, कि आगे जो लिखेंगे वो रियलिटी बनेगी। दिस अ वेरी पावरफुल लाइन नो। तो आई एम की हमें चेकिंग करनी है। अब जैसे आपने कहा दुखी हो, ऐसे आजकल जो शब्द है डिप्रेस्ड हो, चिल्ड्रन एंड यूथ आर नॉट रियलाइजिंग दैट डिप्रेशन इज एन इलनेस। लेकिन जो एक्चुअल जिसको डिप्रेशन होगा ना, एक्चुअल डिप्रेशन,
अगर वो भी सारा दिन ये कहेगा ना आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, सब बढ़िया है, सब ठीक है, तो वो भी अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आएगा। और जो ठीक है वो अगर ये कहना शुरू कर देगा आई एम डिप्रेस्ड, लाइफ इज़ सो मिजरेबल, नथिंग इज़ हैपनिंग, इट इज़ सो बोरिंग, ये कहना शुरू कर देगा तो वो उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बीच में मुझे आदत पड़ गई थी कलयुग सुन के, ये तो कलयुग का जमाना है, टीवी देखा देखो कलयुग का जमाना है, न्यूज़पेपर पढ़ देखो कलयुग का जमाना है, देखो कलयुग आ गया, तो हमारा जीवन कलयुग बन जाएगा। तो मैंने बोले क्या हो रहा है, मुझे अजीब सा कुछ, I was not feeling happy. क्योंकि शब्द की एनर्जी ठीक नहीं है ना, जो शब्द यूज करेंगे वो शब्द अपने साथ एक एनर्जी लेकर आ रहा है, चाहे वो सोच में है कलयुग है, कलयुग है, घोर कलयुग है, रियलिटी है, लेकिन जितनी बार उसका उच्चारण करेंगे वो हमारी रियलिटी बन जाएगी। हमें अपनी रियलिटी अपनी चॉइस की क्रिएट करनी है। आज आप एक नया वर्ड शुरू करें, मेरा जीवन सतयुग है, मेरा घर स्वर्ग है, मैं और इस घर में रहने वाले सारे दिव्य आत्मा हैं, पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। चॉइस है कि हम क्या सोचकर, अपने ऊपर क्या लेबल लगाकर अपनी रियलिटी को क्या बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रियलिटी, हमने कहा आई एम अ बॉडी, आई एम अ रोल, आई एम अ प्रोफेशन, ये तो हमारा सबसे, इसीलिए मैं कौन हूँ उससे जीवन बदल जाती है। जब हमने वो सोचा आई एम दिस, आई एम नेम, आई एम पोजिशन, आई एम रोल, एनर्जी अहंकार की थी। अब ज्ञान से हमने आई एम के आगे के फिल इन द ब्लैंक को चेंज किया, आई एम अ फिल्म एक्टर एंड आई एम अ डिवाइन सोल, दोनों में कोई फर्क, दोनों की एनर्जीज कौन कौन सी आ सकती हैं साथ में, मैं ये हूँ, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएं, लोग मेरे आगे पीछे भागें, मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे रिकग्निशन मिले क्योंकि हु एम आई, सारी एनर्जी ऐसे थी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जब चाहना नहीं पूरी हुई तो गुस्सा आ जाना है, ये सब अहंकार की एनर्जी थी। अब आपने चेंज किया और आपने कहा आई एम अ सत्योगी सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, अब एनर्जी कौन सी हो जाएगी, अब है मैंने देना है सबको, एंड आई एम रेडिएटिंग डिवाइन एनर्जी। वहां था लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे दें, लोग मेरा कहना माने, अहंकार रेडिएट होता था, और यहाँ डिविनिटी रेडिएट, डिविनिटी रेडिएट, कितना अंतर है, कितना अंतर है, लेकिन अंतर किससे क्रिएट हुआ, आई एम के बाद शब्द कौन सा लिखा, ध्यान से लिखना है आई एम क्या, तो क्या करे, मैं एक्टर हूँ, आई एम एन एक्टर, तो क्या क्या बोलूं, लेकिन आई एम कौन, उसके बाद रोल्स तो आप कितने भी प्ले करें, आप एक एक्टर हैं, आप एक पेरेंट हैं, आप एक ग्रैंड पेरेंट हैं, आज तो बहुत सारी चीजें हैं, रोल्स तो बहुत सारे हैं, आई एम क्या है, आई एम अ सोल, क्योंकि जो आई एम होगा उसने कहा वो आपकी रियलिटी बनेगा, वो रियलिटी आपके हर रोल में आएगी। आई एम अ डिवाइन सोल, तो आप ग्रैंड पेरेंट कैसे होंगे, डिविनिटी से भरपूर, आप पेरेंट कैसे होंगे, डिविनिटी से भरपूर, आप एक्टर प्रोफेशनल भी कैसे होंगे, डिविनिटी से भरपूर, लेकिन आई एम कौन, आई द सोल, आई एम, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सोचना, ध्यान से बोलना है, जो ये शब्द हम बहुत इजीली यूज करते हैं, आई एम बिजी, वेरी गुड, छोटे छोटे बच्चे, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, ये छोटे बच्चे भी कहाँ से लेते हैं शब्द को, वातावरण से, जस्ट सी द एनर्जी हाउ वी विल फील। जब हम कहते हैं आई एम बिजी, हम एक अलग एनर्जी वाइब्रेट करते हैं, आई एम बिजी मतलब मेरे पास समय नहीं है, ना अपने लिए ना औरों के लिए। हमारी दादी जी, दादी जानकी, आज 101 से ऊपर एज, पूरे देश में ट्रैवल करते हैं, इतना बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को संभालना, 9000 सेंटर है उनको देखना, इतनी बहने, इट्स अ ह्यूज थिंग, शी इज सो स्ट्रिक्ट, उन्होंने हमेशा हमें बार बार ये याद दिलाया
आप सब सेवा करो, पूरा दिन आप सुबह से रात तक सेवा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए कभी भी, आई एम बिजी। कि बिजी कहा तो आपने अपने आप को और दूसरों को राइट एनर्जी नहीं रेडिएट की। देन शी टॉट अस अ न्यू वर्ड, से आई एम इजी। ओके, ऑक्यूपाइड है, काम कर रहे हैं, लेकिन शब्द कॉन्शियसनेस आई एम इजी। जब मैंने पहली बार वो सुना, ऐसे जब बिजी हैं तो बिजी ही बोलेंगे ना, मतलब बिजी हैं तो इजी कैसे बोलेंगे, बिजी हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, कोई आता है तो हम कह देते हैं सॉरी आई एम वेरी बिजी। बट शी मेड अस डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई कॉन्स्टेंटली फील दैट डिफरेंस नाउ। अब गलती से भी मुख से या सोच में ये शब्द नहीं आ सकता कि आई एम बिजी। हाँ, हम ये कह सकते हैं, कोई कहे आप ये करेंगे, कहेंगे नहीं हम अभी ये कर रहे हैं, इसके बाद हम ये कर सकते हैं, या आज ये करने का टाइम नहीं है, हमें ये आज करना है, ये सब शब्द कहेंगे, लेकिन ये शब्द नहीं कहेंगे कि आई एम बिजी। एंड आई एम ईजी कहने से वाइब्रेशन, मन को, चित्त को क्या मिलती है, सब ईजी है, सब सरल है। बिजी होने से टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट होती है, ईजी होने से सरलता, सिंप्लिसिटी की एनर्जी क्रिएट होती है। इसीलिए वो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आई एम के आगे क्या लिखना है। अगर हम अपनी चेकिंग करें और अवेयर रहें कि जब भी हमने कहा आई एम, हमें लगे कि ये शब्द राइट नहीं है, अगर ये मेरी रियलिटी में आ गया, तो हमें वहीं रुककर उस शब्द को चेंज कर देना चाहिए। एंड यही शब्द यूज़ करें, आई एम शेयरिंग, केयरिंग, आई कोऑपरेट। अगर हम कहेंगे आई कम्पीट तो वो एनर्जी क्रिएट होगी, आई कोऑपरेट वो एनर्जी क्रिएट होगी। एनर्जीज फ्रीक्वेंसी कितना डिफरेंस है। कितने लोग बोलते हैं मुझे, मेरा नेचर भी कोई ठीक ठाक थोड़ी है यार, आई एम सच अ डिफिकल्ट पर्सन टू लिव विद, मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ, व्हाट इज रॉन्ग इन सेइंग द ट्रूथ। अब उससे तो कब ठीक होगा। जब हम पहले एपिसोड शुरू किए थे ये करने, तो जब भी कोई ज्ञान की ऐसी पावरफुल पॉइंट आती थी कि ये करना है, तो आपके मुख से निकलता था आई एम नॉट अ सेंट, है ना, आप कहते थे आई एम नॉट अ सेंट, विच मीन्स आई एम नॉट। आप एक बार, कई बार ये भी कहते थे गलतियों का पुतला है हम, तो आई एम क्या, इंसान गलतियों का पुतला है। मतलब आई एम अलाउड टू मेक ऑल दीज मिस्टेक्स, आई एम नॉट अ सेंट। आज हम कह रहे हैं आई एम एन एंजल, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। अगर रोज ये भी एक थॉट ले लें, आई एम एन एंजल, मैं फरिश्ता हूँ, दिन में इसको मंत्र बना लें, तो आई एम एन एंजल हुआ तो ऑटोमेटिकली सबके साथ कैसे हो जाएंगे। सी द डिफरेंस, आई एम नॉट अ सेंट मतलब मैं गलतियों का पुतला हूँ। जो सोचेंगे कि मैं गलतियों का पुतला हूँ, वो तो गलतियाँ करते जाएंगे। जो ये थॉट क्रिएट करेंगे आई एम एन एंजल, सिर्फ कॉन्शियसनेस स्विच, ये कॉन्शियसनेस स्विच है। कॉन्शियसनेस स्विच हुई, थॉट चेंज होगी, शब्द चेंज होंगे, भाग्य बदल जाएगा। अब जस्ट थिंक, मॉर्निंग आप बैठे हैं, मेडिटेशन करते हैं और ये थॉट अपने आप को देते हैं आई एम एन एंजल। जैसे ये थॉट क्रिएट किया, वाइब्रेशन कौन सी है, विजुअलाइज करें आई एम एन एंजल, आई रेडिएट गॉड्स लव एंड पीस टू एवरीवन आई मीट टुडे। जिसको मैं आत्मा आज मिलूंगी, सबको मुझसे सिर्फ और सिर्फ सुख और प्यार मिलेगा। आई एम हिज एंजल, मैं उसका फरिश्ता हूँ। आज का मेरा पूरा दिन ऐसा ही बीतेगा कि हर आत्मा को मुझसे सुख मिलेगा, क्योंकि मैं उसका फरिश्ता हूँ। आई रेडिएट लव। सी द डिफरेंस इन दिस कॉन्शियसनेस एंड सी द डिफरेंस इन दिस कॉन्शियसनेस। कि सुबह उठे
आई एम दिस प्रोफेशन, आई एम दिस पेरेंट, मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी करो, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं आज सारा दिन कैसा बीतेगा, सुबह सुबह ही खराब हो गई है। See, ये एनर्जीज हैं दो, ये दो कॉन्शियसनेस हैं, और जो कॉन्शियसनेस हम क्रिएट करेंगे, आई एम उसको कहेंगे अपने आप को, पूरा दिन वैसा बीतेगा, और जैसा पूरा दिन बीतेगा वैसी जीवन बीतनी शुरू हो जाएगी। तो आई एम ये रोज़ मॉर्निंग में हमें एक चूज़ करना है हर रोज़, जैसे आपने कुछ दिन पहले शेयर किया था, आई एम लव, आई एम लव, एंड यू फाउंड द डिफरेंस। नहीं पता नहीं, मैंने एक ऐसे मंत्र उठा लिया, सो रहा था रात को, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव, नींद लग गई, सुबह उठा, मैंने कुछ सोचा नहीं था, अपने मुख से मेरे अंदर थॉट वापस आ गई, राइट, जो रात को सोचा था, ऐसे एज इफ यू कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, यस यस यस, आई एम लव। तो फिर मैंने जब स्टाफ से फोन करके बात किया, मुझे चाय चाहिए, वो उसने बोला हरिओम नमस्ते कुछ बोला, तो मैं हाँ बेटा जी, मैं जो अपने बेटा जी बोल रहा हूँ उसको, बिकॉज यू आर रेडिएटिंग अ डिफरेंट एनर्जी। और अगर आप आई एम लव इस कॉन्शियसनेस से फोन नहीं करते, तो अनअवेयर वाली कॉन्शियसनेस का क्या है, मैं कौन हूँ और किसको फोन कर रहा हूँ? मैं मालिक हूँ, एक नौकर को फोन कर रहा हूँ, अरे यार चाय लो यार। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, ये छोटा नहीं है ना डिफरेंस, ये डिफरेंस आगे आसमान का फर्क है। एंड जब आप एक एक थॉट भी क्रिएट कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वी हैव टू ऑल्सो चेक आर बॉडी इज ऑल्सो लिसनिंग ना, एवरी थॉट रेडिएट्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब जितनी बार आपने ये थॉट क्रिएट की होगी, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग हेल्थ, यू आर क्रिएटिंग हेल्थ, क्योंकि आप बॉडी को बहुत पावरफुल प्योर वाइब्रेशन दे रहे हैं। और जितनी बार हम ये थॉट क्रिएट करेंगे, आई एम स्ट्रेस्ड, मैं दुखी हूँ, जीवन ही बेकार है, शरीर को भी तो वो मैसेज मिल रहा है, बीमारियाँ कैसे होती हैं? बीमारी सिर्फ ये थॉट क्रिएट करके नहीं होती, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी अपने प्रति, लोगों के प्रति, जीवन के प्रति सोच क्या है, वो मेरे शरीर को पहुँच रही है। तो इफ़ आई क्रिएट दिस थॉट, आई एम डिवाइन, आई एम प्योर, तो बॉडी विल ऑल्सो फील दैट एनर्जी। एंड अगर हम ये थॉट क्रिएट करें, मैं बिजी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, बॉडी विल कैच दैट एनर्जी, वहाँ बीमारी, यहाँ हेल्थ, इसीलिए उसने कहा रियलिटी, डेस्टिनी वो बनती जाएगी। जब कोई बीमारी भी होती है, तब भी अगर हम ये थॉट क्रिएट करें, मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, बॉडी विल कैच दैट। जैसे हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, एडिक्शन क्यों नहीं छूटती, सबसे डीप थॉट, आई एम एन एडिक्ट, आई एम एन एडिक्ट, आई एम एन एडिक्ट कह दिया, तो वो तो रियलिटी है। और अगर सोचा आई एम अ पावरफुल सोल, तो आई एम एन एडिक्ट कहकर एडिक्शन कभी नहीं छूटेगी। आई एम नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ विल पावर, उन लोगों के अंदर है, मेरे पास वो विल पावर नहीं, आई एम अ वीक पर्सन, हो गया, डेस्टिनी बन जाएगी, ये डेस्टिनी बनेगी, मेरे पास नहीं है वो, आई कैन नॉट डू इट, आई डोंट हैव दैट विल पावर, रियलिटी। तो ध्यान से सोचें एंड अपने आप उसी क्षण अपने आप को कहें, ये मेरी रियलिटी बन रही है। फिर पॉज करके पूछें, डू आई वॉन्ट अनदर रियलिटी, क्या मुझे कोई और रियलिटी चाहिए? अगर यस, तो जस्ट चेंज द आई एम, I am powerful. अगर हम कहते जाएंगे I am an addict, I am an addict, but I want to leave it, but I am an addict. और अगर कोई आकर कहे छोड़ दो, छूट जाएगी, नहीं, I am an addict, I am addicted to this. कितनी चीजें, not just alcohol, smoking, कितनी चीजों के लिए हम बहुत easily, जो चीजों को हम use करते हैं ना, जैसे simple, लोग अखबार पढ़ते हैं, कोई उनको कहे सुबह सुबह छोड़ दो ये अखबार, नहीं जी आई एम अडिक्टेड टू दिस, व्हाट ब्लेसिंग आर वी गिविंग आवर सेल्फ। आप रोज अखबार पढ़ते हैं इज फाइन, डू नॉट से दिस टू योर सेल्फ, आई एम अडिक्टेड टू दिस, क्योंकि हम कुछ चीजें वो कह रहे हैं जो अभी रियलिटी है नहीं। कॉफी पीते हैं, पीते हैं, कहिए मैं कॉफी पीता हूँ,
ये नहीं कहिए आई एम एडिक्टेड टू दिस बिकॉज टुमारो दैट विल बिकम अ रियलिटी. अब मेरी फैमिली में एक लेडी है, शाम के 4 बजते ही बोलती है कि मुझे चाय चाहिए नहीं हाँ. तो मेरे सर में दर्द होती है हाँ. और उसने इतना कंफर्म कर दिया कि 4 बजते चाय नहीं मिली तो हेडेक. यस, एंड वो हेडेक होगा भी, होगा ही. कल अगर उनके जीवन में कोई और परिस्थिति आ गई, वो कहीं बाहर हैं, कोई और चीज में इंटेंगल हो गए, 4 के 5 के 6 बज जाएंगे. उनको चाय नहीं मिलेगी, उनको चाय याद नहीं होगी, उनका सर दर्द नहीं होगा. लेकिन 6 बजे जब उनको याद आएगा और वो कहेंगे आज चाय नहीं पी, चाय नहीं पीने से तो मेरा सर दर्द, तो 6 बजे सर दर्द होगा उस दिन. डू नॉट क्रिएट अ थॉट विच इज़ नॉट ट्रू येट. कोई चीज़ आपने करनी शुरू कर दी है, लेनी शुरू कर दी है, टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, शॉपिंग हम ज़्यादा जाते हैं, बट डू नॉट पुट द लेबल आई एम अडिक्टेड टू दिस. क्योंकि फिर अडिक्शन हमारी रियलिटी बननी शुरू हो जाएगी. कोई चीज़ें जो अभी नई हैं उसको तो लेबल लगाए ना, और जो है भी, अगर हम किसी चीज़ के अडिक्ट हैं भी या कोई और संस्कार हमारा है भी, तो आई एम का लेबल चेंज कर लें, कॉन्शियसनेस चेंज कर लें, तो जो है भी वो भी चला जाएगा. तो अवेयरनेस, आई एम. एंड सबसे ब्यूटिफुल थॉट रोज़ सुबह और सारा दिन, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम हिज एंजल. आप रियलिटी में उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि सारा दिन में लोगों को आपसे सुख मिलेगा, आपकी वाइब्रेशन उनकी हीलिंग करेगी, क्योंकि आपने ड्रेस कौन सी पहनी, ऑरा कौन सी पहनी, एनर्जी कौन सी पहनी, आई एम एन एंजल. वो एनर्जी आपके साथ साथ चलकर सबको सुख देती है. सुख देने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा उनके लिए, आपकी वाइब्रेशन उनको हील करके सुख देगी. तो आज से आई एम के बाद लगाएंगे आई एम अ डिवाइन सोल, एन एंजल, सबको सुख देने वाला. बिल्कुल जी. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. ओम शांति. आई एम. Two of the most powerful words. What you put after them shapes your reality. Words like I am busy, I am stressed, I am bored, I am depressed, I am addicted are low energy vibrations. When we think or say that often, we become that way. If we keep saying life is difficult, I am unhappy, situations may be fine, but sadness will become our state of being. If we keep thinking and saying everything is simple, I am happy, situations may be difficult, but we will be stable and happy. The most important belief, I am this body, role, relationship, position. This belief created ego. Change to the true consciousness. I am a divine soul. My life is a Satyugi life. This will change our inner being and the vibrations we radiate to all. Let's create a thought every morning. I am God's angel. I radiate love and happiness to all. I cooperate and support everyone I interact with. My every thought and word is a blessing.